नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के विधायक दल की बैठक आज नवाई सुबह पार्टी मुख्यालय में शुरू हुई, जिसमें पार्टी के नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और सभी नव निर्वाचित विधायक दल उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसहमति से उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया है। श्री गुफवारा विजय बेहरा से निर्वाचित विधायक बशीर वीरी ने यह जानकारी दी है। वहीं एक अन्य नेता सलमान सागर ने कहा कि हमारे लिए यह भावुक पल था जब हमने उमर अब्दुल्ला को सीएम पद के लिए नामित किया। बैठक से पहले कुछ नेताओं ने मीडिया से बातचीत की। तनवीर सादिक ने कहा कि हम अपने वादों पर कायम रहेंगे। जम्मू कश्मीर को एक मजबूत और जीवंत नेतृत्व की आवश्यकता है और मुझे नहीं लगता कि उमर अब्दुल्ला से बेहतर कोई और हो सकता है। हसनैन मसूदी ने बताया कि सरकार बनाने के साथ ही हम अनुच्छेद 370 की बहाली पर काम करना शुरू कर देंगे। हम उन सभी वादों को पूरा करेंगे जो एनसी ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। फारूक अहमद शाह ने कहा कि लोगों ने एनसी पर भरोसा दिखाया, हम अपने नेताओं के सुझावों पर कायम रहेंगे। जम्मू कश्मीर को एक मजबूत और प्रभावी सरकार की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा है कि एनसी अनुच्छेद 370 की बहाली और अगस्त 2019 में छीने गए अधिकारों के लिए लड़ाई भी जारी रखेगी। जावेद अहमद वेग ने कहा कि चूंकि लोगों ने एनसी पर भरोसा दिखाया है, हम अपने युवाओं को रोजगार देने पर काम करेंगे। हम उन मुद्दों पर भी ध्यान देंगे जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अनसुलझे रह गए हैं। सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों ने उनके खिलाफ मतदान करके 2019 के भाजपा के फैसले को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर के हर पहलू की उपेक्षा की है और लोगों ने उन्हें हराकर वोटों से जवाब दिया है। शमीमा फिरदौस ने कहा है कि लोगों ने एनसी में जो विश्वास दिखाया वो मुझे उम्मीद पर खरा उतरने के लिए प्रेरित करेगा। बैठक में अल्ताफ कल्लू सहित तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं एनसी ने जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि 10 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। इस बार जब चुनाव का ऐलान हुआ तो लगा कि बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। एक नई बयार जम्मू कश्मीर दोनों संभाग में देखने को मिलेगी। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखा। चुनाव प्रचार, मुद्दे, रणनीति, प्रत्याशी, स्टार प्रचारक, ये सब कुछ पहले दिन दो हिस्सों में बंटकर चल रहे थे। जम्मू और कश्मीर दोनों जगह के मुद्दे अलग थे, यहाँ प्रचार करने का तरीका जुदा था, तो नतीजे भी अलग और एकदम साफ सियासी संदेश के साथ आए। घाटी ने साफ किया किसी भी हाल में भाजपा के साथ या उसके साथ दिखने वाले किसी भी दल या व्यक्ति के साथ नहीं जाएगी, तो जम्मू ने भाजपा की ताकत बढ़ाकर अपने इरादे साफ कर दिए। मैदान बनाम पहाड़ की लड़ाई वैसी की वैसी रही। जम्मू कश्मीर में अब तक हुए सभी चुनावों पर गौर करें तो कश्मीर हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का वर्चस्व दिखाता रहा है। वहीं जम्मू के मैदानी इलाकों में 1987 में भगवा पार्टी का प्रभुत्व शुरू हुआ, 2014 तक आते आते लगभग जम्मू संभाग पर छा गया। इस बार के चुनाव में उम्मीद जताई जा रही थी कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता एक तरफा फैसला सुनाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जम्मू ने एक तरफा फैसला भाजपा के पक्ष में सुनाया और कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।